Assalamualaikum students, I am your instructor Vahid Ahmed, मेरा career swing है। Previous lecture में हमने chapter number 13 को start किया था, उसके जो triangle की basic definitions, side के according देखें और उसके angle के according। आज हम इसके next basic concept को discuss करेंगे। तो video देखने से पहले इसको like करें, share करें, subscribe करें। तमाम student देख रहे हैं इससे सामने। तभी हम इसके basic concept जो बाकी रह रहे हैं उनको start करें। चैप्टर 13 में हमारे पास पेज 226 पे नोट लिखा हुआ है। नोट को जरा तवज्जो से देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट नॉट ऑन इट। एक हमारे पास लाइन, ये लाइन, और एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहा है। इट मीन या इधर कर रहा है या किसी भी जगह पे कर रहा है, इस लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहा। इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये एक लेंथ होगी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर ये जो हमारे पास लेंथ बन रही है, इसको उसने कहा ये एक लाइन सेगमेंट होगा। अब एक पॉइंट यहाँ डिस्कस नहीं हुआ, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एंगल 90 का बन रहा है, तो हमेशा याद रख रहेंगे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सबसे जो छोटा डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा। आप इसमें ये वाला डिस्टेंस देख लें, ये देख लें, ये वाला डिस्टेंस भी देख लेंगे तो ये डिस्टेंस भी इससे ग्रेटर हो जाएगा। सबसे छोटा आपको ये नजर आएगा, आप इधर को चले जाए, ये चले जाए। हमेशा याद रखना है जो परपेंडिकुलर बन रहा होगा ना 90 के डिग्री के ऊपर एंगल जो बन रहा होगा, उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हमेशा स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ये पॉइंट माइंड में रखेंगे। ये पॉइंट वन था, उसके बाद पॉइंट टू है हमारे पास। पॉइंट टू है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। आप पहले जो है पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा था, इसमें पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहे। अब ये देखें, ये एक लाइन है, एक पॉइंट है जो इसी लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है। उसने कहा इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑन इट इज जीरो, इसका डिस्टेंस हमेशा जीरो होगा। इस पॉइंट का और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, इस वजह से इसका डिस्टेंस नहीं होगा। तीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जीरो होगी। ये दो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 13.2 एक्सरसाइज, इसके पहले दो क्वेश्चन हमने देखने हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट है। क्वेश्चन वन है हमारे पास, इन द फिगर, ये जो फिगर हमें नीचे गिवन है, ये फिगर हमारे पास कुछ इस तरह की गिवन है, देखेंगे। ये हमारे पास लाइन, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये है हमारे पास लाइन, ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, उसके बाद ये 60 डिग्री है और ये 30 है। ये पॉइंट बी है, ए, और उसके बाद बी, ये डिफरेंट उसने नाम किए, ओ एन एम और ये एल नंबर। अब इसमें उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होगा। आपको कहीं आगे पीछे मैयर करने की जरूरत नहीं, देखिए किसका एंगल 90 है, जिस लाइन सेगमेंट का एंगल 90 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब इसमें पी से एन जो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगा, मायर ऑफ पी एन। पी एन जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाकी किसी को मायर करने की जरूरत नहीं है, एंगल को चेक करें। सी ऑप्शन जो इसमें हमारे पास राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में उसने कहा इन द फिगर, एक फिगर फिर यहाँ गिवन है, पी इज एनी पॉइंट लाइंग अवे फ्रॉम द लाइन।
एक पॉइंट है हमारे पास जो इस लाइन से अवे है, सपोज यहाँ वो पॉइंट है, ये इस तरह की फिगर बनी हुई है। इसमें हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये एल है और ये पी है। अब इसमें इसने क्या कहा, पी इज एनी पॉइंट लाइन अवे फ्रॉम द लाइन ए बी, देन मेजर ऑफ पी एल, पी से एल की जो मेजरमेंट है विल बी शॉर्टेस्ट। ये शॉर्टेस्ट कब होगी, इफ नीचे उसने ए में एंगल दिया, मेजर ऑफ एंगल जो वो एटी है, ये पी एल ए, फिर पी एल बी 100 है। उसने कहा पी एल ए अगर 80 हो, पी एल बी 100 हो, और नेक्स्ट सी में उसने कहा पी एल ए जो वो 90 डिग्री हो। तो ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, जब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वर्ड यूज करे तो आपने 90 डिग्री का एंगल ढूंढना है। 90 का एंगल ढूंढेंगे, जहां आपको 90 का एंगल नजर आए वहां आप उसको टिक करेंगे। इसमें सी ऑप्शन में देखें आपको एंगल 90 नजर आ रहा है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, मेजर ऑफ पी एल ए जो वो 90 डिग्री। अच्छा, इसमें पी एल ए भी कह सकता है, मेजर ऑफ पी एल बी भी 90 कह सकता है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90, दोनों एंगल हमारे पास 90 है, दोनों को कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आती है, रिव्यू एक्सरसाइज का भी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसे सॉल्व करते जी। रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, कौन से सही है कौन से गलत है ये हमने बताने हैं। पार्ट 1 है, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। अब ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर साइड है, तो इसकी ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल जो है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये हमने पॉइंट प्रीवियस डिस्कस किया, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसका पॉइंट 1 जो है ये हमारे पास ट्रू है। ये प्रीवियस पॉइंट डिस्कस करने का पर्पस यही था, ताकि आपसे यानी यहाँ इतनी बहस ना हो और ये आपको पॉइंट ऑलरेडी क्लियर हो जाए। उसके बाद सेकेंड है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा ग्रेटर एंगल जो है वो 90 होता है। आप देखिए ये हमारे पास राइट एंगल है, तो इसमें राइट एंगल में हमेशा ग्रेटर एंगल 90 होता है, 60 नहीं होता, ये फॉल्स होती है, सेकेंड ऑप्शन जो वो फॉल्स। थर्ड पे आ जाए, थर्ड में इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए उसने आइसोसेलेस राइट एंगल की बात की है, ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट है और इसमें ये एंगल 90 है। अब इसमें गौर से देखें, ये साइड अगर इक्वल है तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इनको हम मेजर करते हैं, सपोज अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम जो है वो 180 होता है, इक्वल टू 180 एक्स प्लस एक्स 2x, 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 45 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ये इसने कहा बाकी जो हर एक एंगल है वो 45 होगा, तो यहाँ प्रूव कर लिया ये ट्रू हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 4 है, अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्करेंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल, जिसकी दो कॉन्करेंट साइड होती हैं वो आइसोसेलेस होती है, इक्विलेटरल नहीं होती। इक्विलेटरल की हमेशा तीनों साइडें इक्वल होती हैं या कॉन्करेंट होती हैं। 4 ऑप्शन इसका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 5 है, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। परपेंडिकुलर कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, एक पॉइंट से उसके लाइन के ऊपर चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस इसी के स्टार्ट में, एक पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगा, ये हमने पॉइंट डिस्कस किया, ये ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट 6 है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम एन एंगल
फॉर्म एन एंगल ऑफ 90। अब इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके दरमियान वो कह रहा है कि एंगल हमेशा 90 बनेगा, बिल्कुल 90 बनेगा, हमें नजर भी आ रहा है ये 90 है, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद 7 है, अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। अब देखें कोलिनियर पॉइंट वो होता है जो हमेशा लाइन के ऊपर लाई करता है, ये एक लाइन है, उसने कहा लाइन के ऊपर नहीं है आउटसाइड द लाइन, यहाँ एक पॉइंट है, इधर हो सकता है इधर हो सकता है, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर होता तो कोलिनियर था, अब ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर, ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट 8 है हमारे पास, 8 है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। ये अभी हमने रूल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि दो साइड का अगर आप सम करें वो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद 9 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज जीरो। अभी हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था स्टार्ट में, इसी लेक्चर के स्टार्ट में पॉइंट नंबर 2 में हमने कहा था कि एक डिस्टेंस एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई करता है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, इस लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 5। अब देखिए उसने कहा हमें मेजरमेंट दी है, 10 में 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो ये ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, अब इन दोनों को ऐड करें, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया, ये थर्ड साइड के इक्वल आ गया, लेकिन क्या लिखा हो ये होना चाहिए हमेशा ग्रेटर, मैंने वर्ड यूज किया था ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर का मतलब कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये कभी भी ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करेगा, 10 वाला ऑप्शन है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा इसमें अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं इसको ना, आप मैयर कर यानी अप्लाई करके देख लें, इससे जरा ट्राई करके देखना कि आप फिगर बनती है या नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये था हमारे पास इसका ऑप्शन 10। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी एमसीक्यू टाइप है लेकिन अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, एक वर्ड आपने इसमें लिखना होता है, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। किसी भी आउटसाइड पॉइंट से लाइन के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना होगा, सिर्फ आपने एंगल बताना है, What will be angle? सिर्फ एंगल बताना है। आप इसमें लिखेंगे the 90 degree के बाद, आप 90 degree लिखने के बाद will be angle for shortest distance from an outside to the line। सिर्फ आप what को रिमूव करके 90 degree लगाएंगे, बाकी सारी वही स्टेटमेंट लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। उम्मीद है ये समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं, ये जो 90 डिग्री लगाना ना आपने, 90 डिग्री लगाने के बाद बाकी सारी ऊपर से स्टेटमेंट देख के इसके आगे कॉपी कर दें, तो ये हमारे पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये टेस्ट होता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक आज का लेक्चर, इसको करें समझे, कुछ होगा तो हम इसे डिस्कस करें इंशाल्लाह, इसके बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको करें समझे, कुछ होगा तो हम इसे डिस्कस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझे। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।